વેલ રોમા, તને આ ટૂરની મજા આવી રહી છે, પણ લેટ મી બી વેરી ફ્રેન્ક ઇનફ કે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે ને આપણા જે વ્યૂઅર્સ છે ને આજના, એમને પણ આજની આ ટૂરની બહુ જ મજા આવી રહી છે. સો એક્ચ્યુઅલી ડેમિન, મુજે ભી કાફી કુછ નયા જાનને મિલા ગુજરાતી કલ્ચર કે બારે મે, ગુજરાતી રેસિપીઝ કે બારે મે, એન્ડ આઈ એમ શ્યોરલી ગોના ટ્રાય ધેમ. જેમીન, અબાઉટ ધ નેક્સ્ટ પ્લેસ આઈ વુડ લવ ટુ ગીવ યુ અ હિન્ટ. સો એસી એક ડિશ હૈ જો સબકે ગુજરાતી કલ્ચર મે બહોત જ્યાદા ફેમસ હૈ, એક હી ડિશ હૈ જિસકી બહોત સી વેરાઇટીઝ બનતી હૈ ઓર ઉસકો બ્રેકફાસ્ટ મે, લંચ મે યા ડિનર મે કભી ભી ખા સકતે. કેન યુ ગેસ વોટ ઇઝ ઇટ? વો ગુજરાતીઓ કી જાન હોતી હૈ ઉસ ડિશ મે. કેન યુ ગેસ ઇટ? અહા, ધેટ્સ ટુ ડિફિકલ્ટ રોમા, પ્લીઝ કહી દેને. Hello family, so we are here at the most amazing and most famous Khammam house, the house of Khammam, and guess what, it has recently completed 100 years of making Khammam, so let's hop in. Ladies and gentlemen, I, Ruma Manglani, welcome every one of you once again to this Gujarati Food Festival 2021, organized by Friends of Gujarat, Canada. Today we have with us Krunal Bhai. So hello, how are you? Yes, fine. How are you? I am good, and we all are so excited to congratulate you for completing 100 years of Das Khammam. Thank you so much on behalf of Das family. Thank you. So, आप जर्नी बताना चाहेंगे इन 100 सालों की प्यारी सी जर्नी? Definitely. जो हमारे दास खमन की शुरुआत, कई लोगों को ये जानने का बहुत उत्साह था कि कैसे 100 इयर्स कंप्लीट हुए, कैसी जर्नी है हमारी. तो जो हमारा नेटिव है वो सौराष्ट्र में अमरेली के पास वड़िया करके विलेज है. तो वहाँ से हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, तो अभी तो मैं एज अ फोर्थ जनरेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर अमरेली से पहले सूरत गए थे. सूरत पे जो यहाँ पर एक खमन ये सब जो शॉप थी वहाँ पर उन्होंने जॉब की, और खमन बनाने का उनको धीरे धीरे करके उनको ये आर्ट आ गया, उनका एकदम हाथ सेट हो गया उसके अंदर. फिर सोचा कि मैं खमन के बिजनेस में, उनको फैमिली भी बड़ा था और कैसे होता है कि बिजनेस करने का एक बहुत उनको उत्साह था कि मैं बिजनेस में कुछ करें. लेकिन अगर उन्होंने लेकिन सूरत में नहीं किया कि अगर जिस गुरु के पास से उन्होंने सीखा है खमन बनाना, तो उनके वहीं उस सूरत में करेंगे तो उनके सामने कंपटीशन वो करना नहीं चाहते. तो वो सिटी चेंज करके सूरत से अहमदाबाद में आए, और अहमदाबाद में उन्होंने घर रेंट पे लेके यहाँ पर उन्होंने खमन का बिजनेस पूरा शुरू किया. दैट्स अमेजिंग, दैट्स सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी. एंड उसके बाद उन्होंने जैसे घर पे मेरी दादी थी, जो मेरे दादाजी के नाम पीताम्बर दास, उन्होंने शुरुआत की खमन की, और उनकी वाइफ नंदूबा, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे खमन बनाते थे. और खमन बना के तो जो खमन की जो पूरी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हमारे जो दादी है वो भी उनको हेल्प करते थे. फिर दादाजी खमन बने उसके लेके जैसे थिएटर के बाहर, फिर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर, जैसे पे पानीपुरी के जैसे खुमचे होते हैं ना, वैसे खुमचे में खमन हर एक जगह पर लेके बेचते थे. और धीरे 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 करके ऐसे ही उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी. So people accepted you wholeheartedly, और इसीलिए यहाँ पे 100 successful years complete हो गए हैं. So वैसे क्या होता है, हर एक food में एक modern touch आता जाता है. Young generation को हमेशा एक international स्वाद, modern स्वाद चाहिए होता है. So how are you keeping up with that? जैसे मैं जैसे बोला कि हम जैसे fourth generation है यहाँ पर business को, अभी ये legacy को हम आगे ले जा रहे हैं. तो जैसे हमारी पूरी जितनी भी फर्स्ट जनरेशन है, तो एक रेगुलर खमन था जो हमारा, जो चने की दाल का जो हमारा होता है प्लेन खमन. जैसे मेरे दादाजी आए तो उन्होंने ब्लैक पेपर खमन या दही खमन ऐसे इंट्रोड्यूस किया. लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करना, कुछ भी नई वेराइटीज लॉन्च करना, उसमें साथ में उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी जो होता है ना, वो एक साथ में लेके चलते थे. तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर की जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों का टेस्ट नया नया डेवलप होता गया, उसी तरह से हम लोग भी नई नई वेराइटीज़ लॉन्च करते गए. तो जैसे अभी यंग जनरेशन है तो थोड़ा फ्यूजन है, तो कुछ ना कुछ फ्यूजन भी हम लोग करते रहते, कि इटालियन टच भी कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मैक्सिकन वैरायटीज भी हम लोगों ने, लेकिन जो वेडिंग वगैरह होता है इसमें कुछ नई नई वैरायटीज मांग जो डिमांड करते हैं कि वहाँ पर उनको सर्व करने के लिए, तो ऐसे कई सारी फ्यूजन प्रोडक्ट हम वहाँ पर सर्व भी करते हैं. That's so good to know. आप नाम देना चाहेंगे कुछ फ्यूजन का? जैसे मैंने ग्रीन फ्राई खमन देखा, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? मिंट एंड कोरिएंडर, उसकी ग्रेवी बनती है दही के अंदर, और स्वीट बेस्ड ग्रेवी होती है, उसके अंदर खमन को तैयार किया जाता है आपको.
वो थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बनता है. We are so excited. My mouth is already watered a lot. And another, मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट का नाम पिज़ोरम है तो खमन बेस्ड पिज्जा होता है, रेगुलर पिज्जा होता है. उसमें क्या होता है कि जो मैदा आता है शायद हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं इतना रेगुलर, लेकिन एक चने की दाल का जो खमन होता है उसी का लेयर के ऊपर पूरा पिज्जा बनता है. जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा तो पहले बाइट में आप जज नहीं कर पाओगे ये खमन का पिज्जा है कि रेगुलर पिज्जा है. ओह इज इट? या इतना तो ऐसे कई सारी. हां डेफिनेटली. सो दास खमन नाम ही काफी है. 100 इयर्स ऑफ जर्नी, काफी सारे ब्रांचेस. सो आवर ऑडियंस वुड लव टू नो कितने ब्रांचेस है एंड कितनी वैरायटीज आप लोग ऑफर करते हैं. तो जैसे दास खमन के हमारे अहमदाबाद में 8 आउटलेट है और पूरा हमारा एक सेंट्रल किचन है. सेंट्रल किचन से पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, पूरा रॉ मटेरियल पूरी जो भी है वही सब वहीं से जाता है हमको. अब हम आपको पूरी जितनी भी वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं वो आगे आपको सब वैरायटीज टेस्ट कराएंगे और प्रोडक्ट के बारे में मेरे ब्रदर भाविक भी है वो आपको पूरा समझाएंगे. ओह माय गॉड, दे आर लेटिंग अस टेस्ट ऑल द वैरायटीज. आर यू गाइस एक्साइटेड? बिकॉज़ आई एम. सो हेलो भाविक जी. हेलो. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एट दास खमन. आवर प्लेजर मैम. सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो 100 इयर्स ऑफ जर्नी, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि यही बिजनेस को कंटिन्यू ना करते हुए कहीं और जाएं? मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं. जैसे गुजराती में कहवत है मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, एज इफ एक्टर ना ब्लड में एक्टिंग हो जेवी तो हमारा ब्लड में खमण जाए. अने बोरिंग थवानू लाइक जनरेशन से हमें लेगेसी मेंटेन करता आया छे, कई इनोवेटिव करता आया छे, तो एना कारण इनोवेशन ना कारण क्यारे बोरिंग नहीं थयो. एज इफ तमने हूँ प्रोडक्ट बताईश तो तमने आइडिया आवशे कि अमारा केवा केवा इनोवेशन छे प्रोडक्ट ना. यू डेफिनेटली लव इट. So there is this amazing flavor of khamar everywhere and I can't stop my eyes to look at here. I can't, you know, stop myself from tasting all of it. There are some different innovative delicacies over here. So just start from this, the regular khamar. Okay. Regular khamar dokla. Mm-hmm. Then we have spicy dokla, like spicy food lovers ke liye tum tum khamar. Tum tum. Tum tum khamar. Then green fry khamar. This is basically made from coriander and mint gravy. So it's kind of mint taste. Okay, minty. Minty taste. Then this is the toast khamar. Like quick bites for chai, मतलब बच्चों के लिए या किसी के लिए quick bite है तो खमन को toast कर देते हैं. From the outside it's so crispy and inside it's like soft khamar. So this is also kind of innovative. Then our surti locha, like Surat specials. So these are the different varieties. You just taste it, you then. Of course, I would love to. I don't know which one to hop on. So would you like to suggest? So start from this green fry khamar. Okay, it looks so green. I mean, I can assume that it's gonna be spicy. No, it's gonna be sweet kind of taste. As I told you, it's a cream made from coriander and mint, and okay. So kind of mint touch and the curd minty also, touch. And the curd also, the sweet and sour taste. Okay, both are the combination. Okay. So no one would have ever thought that khamar bhi itne zyada varieties mein serve ho sakta hai. You guys are proving it. So yes, let's taste this one with the chutney. To you guys. It actually has a touch of mint, yeah, exactly. With some curd, some pinch of green chili. It's a proper Gujarati dish, you know. I can feel that Gujarati-ness in this. And this is the spicy one. This is the spicy one. So yes, meetha muh hone ke baad, there's always something spicy. So spicy and sweet. I love this one. So what about this? This looks like a toast from the outside. Yeah, it's a khamar toast. Like khamar ko pura toast karte hai and we have sprinkled some piri piri masala over it. So young generation ko bhi catchy lage thoda. International cuisine. Yeah. Oh, you're keeping up with the taste. So yeah, let's taste it. This one is the best khamar I have ever had. Oh my god, this is so tasty. Can you look at it? So delicious. So delicious. So yes, we would really love to know how is it made. So can we have the recipes of this too? Yeah, definitely. We can go to our kitchen and we'll check how it's made. That's amazing. So as usual, we are going to visit the kitchen and let's see how it is made. And I'm sure you guys are going to make it soon by yourself. So let's get inside. So people, we are finally in the kitchen and we are so keen to know the recipe of this beautiful, amazing, tasty khamar. Can we get started? Sure. So this is our regular raw khamar, which we made from our central kitchen, and we get here from that. So this is the raw khamar, out of which we can make green fry khamar, tum tum khamar, that regular khamar, toast khamar. Okay. So we'll try green fry khamar. Sure.
सो हम सबसे पहले ग्रीन चटनी डालते हैं। सो बेसिकली दिस ग्रेवी इज मेड फ्रॉम कर्ड, पेस्ट ऑफ ग्रीन चिली, मिंट एंड कोरिएंडर, सो मिक्स ऑफ ऑल दोस टेस्टीज इन इट। सो वी हैव पुट इन द चटनी ऑलरेडी एंड वी हैव टू सॉटे द खमन इन दिस ग्रेवी। ओके, सो दिस रॉ खमन इज द बेसिक थिंग, द बेसिक वन। या राइट। And it becomes green in color. It looks spicy, but trust me, it was all sweet. It was all minty. Exactly. It had that flavor. So I'm sure our Canadian friends would love to try this recipe. Definitely. Any suggestions for them? They can make from like khaman tokla to sab log bana hi lete honge. You just need to make this gravy only. So you have to make a curd, patla sa gravy banana hai kadka, aur uske andar paste of green chilies, mint and coriander, wo sab laake ek usko ek baar saute kar dena hai. Bas, that's it. Plus, this is not a junk food, right? This is a healthy food. Yeah, this is a healthy food. One. So, that you can always make it at home. So, green veggies are there, so it's a healthy one. Right, of course. I'm sure you guys must be waiting to try the recipe on. And trust me, guys, you will be so happy with the results. So, do try it on. So, agli jo hum recipe dekhne ja rahe hain, usse tum sirf breakfast mein nahi, balki khane mein bhi kha sakte ho. It's all about toast khaman. Exactly. So, for toast khaman, you need to deep fry the khaman. But the USP is the groundnut oil. You need to use groundnut oil. That is the main USP of this product. तो जैसे आपको ये हिलाना पड़ता है लाइक पूरे साइड से खमन डीप फ्राइड हो जाए, उसको हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देना है। राइट, सो ब्राउन होने तक का वेट करेंगे हम, जब तक टोस्ट ना हो जाए पूरा, जस्ट लाइक अ टोस्ट। सो यू कैन ऑलवेज हैव इट विद टी, या मतलब आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, लाइक हाई टी में, इवनिंग में भी ले सकते हो, ये फुल टाइम हील है, लाइक कभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। एग्जैक्टली, एंड ऑल यू हैव टू डू इज टू डीप फ्राई इट टिल द टाइम इट्स डीप ब्राउन। Okay, got it. So now the khamans are fried and now we'll add a pinch of piri piri masala with a pinch of lemon juice. Here we have the toasted khamar. I'm sure you guys are gonna try it. So a lot more surprises, a lot more visits, a lot more destinations to be explored. मड़ावू तमारा परिवार ने अमारा परिवार साथे विद्या फूड्स लावियू छे एज आपना देश नो स्वाद તમારી રસોઈમાં એજ આપની પસંદના મસાલા અને સ્વાદથી ભરપૂર ચટણીઓ જે આપની રસોઈમાં ચાર ચાંદ લગાવી દે ઘણી બધી વેરાયટીઝ અને ઘણી બધી ફ્લેવર્સ વિદ્યા ફૂડ્સ આપનો નવો મિત્ર રસોઈમાં હવે આપના નજીકના ગ્રોસરી સ્ટોર્સમાં ઉપલબ્ધ સચમે ઇન્ડિયા કા સબસે બડા રેસ્ટોરન્ટ બ્રાન્ડ ઓનેસ્ટ અબ ઇટોબિકોમ वैसे तो हमारे सारे मेन्यू आइटम्स बहुत अच्छे हैं, पर कुछ स्पेशल डिशेस भी है, तो आइए फिर ऑनेस्ट ना वर्ल्ड फेमस भाजी पाव ने पुलाव मले એટલે બધું મળ્યું ભાઈ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जानने के लिए आइए ऑनेस्ट के एटोबिको लोकेशन पे जहां पर कटप्पा और बाहुबली दोनों हाजिर है। अहमदाबादी स्टाइल भाकरी पिज्जा अने मुंबई स्टाइल वड़ा पाव आओ तो बची ऑनेस्ट ना एटोबिको लोकेशन पर एक दबंग मुंबई में और दूसरा दबंग ऑनेस्ट के एटोबिको लोकेशन पे यानी कि दबंग डोसा और वो भी फरेरो रोशर के साथ पिज्जा भाजी पाव डोसा नी साथे चाइनीज पण मले छे ऑनेस्ट ना इटोबिको लोकेशन पर
तो फिर आइए इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर ऑनेस्ट इटुबिको या फिर ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन honestrestaurant.ca पर। Why Pizza Depot's pizza is so delicious and tasty? Is it because of their sauce or their ingredients? Or maybe because of their process? Varieties of pizza options. Great menu selection. And over 35 locations. To find out, order it online at pizzadepot.ca or call us at 310-9711.